डिनर में आई एम हैविंग फ्रेंच टोस्ट विद अ पिंच ऑफ सिनेमन एंड टर्मरिक एंड विद दिस इटालियन साउंड ऑफ मम्मा मिया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 31 मई और आज ऑफिशियली लास्ट डे होना चाहिए था लॉकडाउन का, बट कल लॉकडाउन 5 भी अनाउंस हो गया और लॉकडाउन 5 कुछ ऐसा दिखता है। दिस वीडियो विल बी अबाउट अ डे इन माई लाइफ इन लॉकडाउन एडिशन। वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट, मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब दिखाने वाला हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो शायद से थोड़ी सी लंबी हो जाए, प्लीज स्टिक टिल दी एंड। और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बचपन से ही मेरा एक ऐसा सपना था कि मैं एक हीरो की तरह स्लो मोशन में एंट्री मारूं, बट पता नहीं वो कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं, इसलिए ऐसे छोटे मोटे सपने मैं अपनी वीडियोस के थ्रू पूरे कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता है, बैडमिंटन इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्पोर्ट और ये सारी एक्सरसाइजेस थोड़ी बैडमिंटन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस ही थी। रिएक्शन टाइम इन सब को लेके थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर पूरा एक्सप्लेन करने लग गया तो। वर्कआउट हो गया है और अब नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं खाना खाने ही लगा था कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर आ गए कि पहले जाके नहा ले, तो मैं नहा चुका हूँ। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि आप अपना ऐसे कबर्ड खोलो और जो भी चीज़ ऐसे सबसे ऊपर पड़ी हो बस वही उठा लो, मिनिमम एफर्ट, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस लॉ का पूरा क्रेडिट मैं गौरव भाई को देना चाहता हूँ, AKA फ्लाइंग बीस्ट। घर पे आज बने हैं मूली के पराठे और उसके साथ में है रायता, और मेरे हिसाब से मैं करीबन 5-6 पराठे तो खा ही जाऊंगा। और आज की जितनी भी पूरी ग्लोबल वार्मिंग होगी मैं उसकी आज पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो इट्स ऑलमोस्ट 11 और जैसे कि आज तो सबको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी लाइव आने वाले हैं, और पिछली बार उन्होंने हमारा बहुत गंदा वाला काटा था, मतलब 35-40 मिनट तक ऐसे ही उन्होंने कुछ ना कुछ बोला और फिर उसके बाद जब काम की बात आई तो काम की बात बताई भी नहीं। तो आज मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड आया हूँ उस चीज़ के लिए। अपन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोजमर्रा की कमाई की बचत में से, तो इट्स अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून अभी, और अभी मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरा स्टडी टेबल जहाँ पे स्टडी तो हार्डली ही कभी होती है, बट हाँ यहाँ पे मैं और बाकी काम कर लेता हूँ, और जैसे कि एडिटिंग वगैरह कुछ भी मेरे को करना हो, और अगर मेरे को कुछ चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं तो मैं अपनी हमेशा अपनी डायरी साथ लेके बैठता हूँ। इट्स 2:30 इन द आफ्टरनून और मैं अभी पी रहा हूँ एक स्मूदी। तुम इसे मील रिप्लेसमेंट स्मूदी भी कह सकते हो या फिर जो तुम्हारा मन करे तुम वो कह सकते हो, क्योंकि इसमें सारी की सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं वो एकदम हेल्दी चीज़ें हैं, और कौन कमबख्त कहता है कि हेल्दी चीज़ें टेस्टी नहीं होती। हाँ तो और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, मैं इस वीडियो में इसकी रेसिपी इंक्लूड नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना सकता हूँ, और मैं ये चीज़ बना सकता हूँ जिसको कुकिंग का सी भी नहीं आता, तो आप लोग तो बहुत आसानी से बना सकते होगे। तो अभी जो रिसेंटली मैं सीरीज़ देख रहा हूँ वो है पाताल लोक, जो अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है,
और ये सीरीज़ मुझे मिर्ज़ापुर और द फैमिली मैन के बाद बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और जो इसमें एक्टिंग करी है जयदीप अहलावत ने, लाइक ऑन स्क्रीन हाथीराम चौधरी ने, वो माइंड ब्लोइंग है। और मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर उनका हरियाणा का है और वो खुद भी हरियाणा के हैं, इसलिए शायद से उनकी एक्टिंग और डायलॉग्स एकदम नेचुरल लग रहे हैं। तो जो भी लोग ऐसे डाउट में हैं कि पाताल लोक देखें या फिर नहीं देखें, तो मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, थम्स अप, लाइक तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग और अभी मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बस थोड़ी सी लाइट स्किपिंग और आई विल टेक यू थ्रू इट। तो मैं अभी आपको थोड़ी बहुत स्किपिंग दिखाऊंगा, जो बेसिक स्किपिंग होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो बेसिक स्किपिंग ऐसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मतलब काफी सारे जिन लोगों को नहीं आते वो लोग ऐसे हाथ खोल के ऐसे करते हैं। मतलब शाहरुख खान नहीं बनना है हमें, अपने जितना अपने पास ऐसे हाथ हो उतना बेटर है। और नीज को फोल्ड नहीं करना बिल्कुल भी, जस्ट कीप देम सिंपल, मतलब ज्यादा ऐसे तेज तेज भी नहीं मारना, मतलब अपने टोज पे आराम आराम से करो, जस्ट लाइक दिस। तो जो अभी मैं दिखाऊंगा वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, खतरनाक वर्जन बोल सकते हैं इसको स्किपिंग का। मतलब इसमें ऐसा होता है कि एक जंप में आपको डबल स्किपिंग करनी है, और मतलब जो एथलीट्स होते हैं वो लोग शायद से इसको आराम से कर लेते होंगे, लाइक मैं भी आराम से ही कर लेता हूँ। बट जो लोग न्यू हैं, जो लोग स्किपिंग नहीं जानते हैं, वो लोग सिंगल स्टेप कर सकते हैं आराम से बेसिक। तो डबल्स वाली कुछ ऐसी दिखती है, वो काफ़ी तेज़ होती है, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, बट दूर वहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत ऐसे शेडो वगैरह दिख रही होगी, तो वो नंदी हिल्स है। और वैसे ये बहुत क्लियर दिखता है, बट आज ही शायद से बादलों की वजह से ढंग से दिख नहीं पा रहा है। और तो जितने भी लोग बैंगलोर में हैं या फिर बैंगलोर के हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि मेरा घर सिटी से कितना दूर है। और यहाँ पे एक और छोटी सी हिल है, लेट मी शो यू, ये है वो छोटी सी हिल जो मेरे घर के एकदम पास में है। और वैसे ही इस हिल का कुछ नाम वगैरह तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि इस हिल को कोई पूछता नहीं है, सब सिर्फ नंदी को ही पूछते हैं। तो आप लोग इस हिल को कह सकते हो हिल्स का अभिषेक बच्चन, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ। डिनर में आई एम हैविंग फ्रेंच टोस्ट विद अ पिंच ऑफ सिनेमन एंड टर्मरिक एंड विद दिस इटालियन साउंड ऑफ माय मम्मी। डिनर में एकदम सादा खाना है, घर का खाना, कुछ फ्रेंच टोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और दाल है, रोटी है, और मैं इसमें थोड़ा सा प्रोटीन के लिए मैं पनीर ऐड करने वाला हूँ, तो आई विल जस्ट कट इट। तो ये हो गया है और आई विल जस्ट ऐड इट इन दाल। और सोने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चला लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी दुनिया की भी खबर होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो इसके बाद मैं सीधा सो जाता हूँ। तो यही था मेरा पूरा अ डे इन माई लाइफ। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में।